गंज गुरुद्वारे के पास पिछले महीने भर से चल रहे नाली निर्माण कार्य से स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन द्वारा बहुत धीमी गति से नाली निर्माण का काम चल रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोग गंदे पानी की बदबू से बीमार पड़ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से नाली निर्माण कार्य की गति में तेजी लाने की मांग की है। ये लोग इन्होंने खोल के बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया है। कल भी इन्होंने छुट्टी कर ली अपनी और कारीगर कह रहे हैं कि हमने कहीं और काम किया है। हमारे को यहाँ पे बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया, हमारे बिल्कुल ना तो कोई कस्टमर आ पा रहा है और दुनिया भर की गंदगी आप यहाँ पे खड़ा ही नहीं हो सकता आदमी, तो उसको जल्द से जल्द आप काम करवाएं। थोड़ा सा हमारे को परेशान दिक्कत आ रही है, परेशान उठा रहे हो सर, ये महीना भर हो गया सर ये। तो आप नगर निगम? सर नगर निगम जाकर आए, वो कह रहे हैं व्यवस्था करा रहे हैं। व्यवस्था क्या करा रहे हैं, कारीगर पैसे 15 आते थे अब 5 आते हैं। इतने को बीमारियाँ भी होती हैं सर, बिल्कुल हमारे पड़ोसी बिल्कुल परेशान हो रखे हैं, उनके घर के 4 पेशेंट हो रखे हैं उसमें। यहाँ पे गिरा देखो ना कोई रास्ता, देखो बिल्कुल रास्ता बिल्कुल बंद कर रखा, ना इनकी दुकान पे गिरा के ना इनकी दुकान पे गिरा के, बिल्कुल मेन रोड का रोड लेके बैठे हैं, कोई गिरा की नहीं हमारी दुकान पे। और यहाँ गाड़ी में गुरुद्वारा भी है? बिल्कुल गुरुद्वारा है, लोग आ ही नहीं पा रहे, गुरुद्वारे में रास्ता ही बंद है, गुरुद्वारे के बाहर की सीढ़ी बंद है। पिछले एक महीने से गंज गुरुद्वारे के पास में हमारा मकान है, नाले को तोड़ने के बहाने से इन्होंने पूरी व्यवस्था खराब कर रखी थी। घर में 4 जने हमारे इस समय बीमार चल रहे हैं, मैं खुद भी हार्ट पेशेंट हूँ, मम्मी पापा 2 बच्चे। कल भी प्रशांत साहब को दिखाया, अभी स्वास्थ्य विभाग की टीम को फ़ोन किया था, वो लोग आके निरीक्षण करके देख कर गए। उनका कहना है कि भाई आपके घर इन्फेक्शन फैल रहा है, पेट में तकलीफ हो रही है, पानी भी साफ नहीं आ पा रहा है इस कारण से। ये नाले की व्यवस्था भी आपने देखी है, पूरा नाला खुला पड़ा, एक महीना हो गया। अब इन्होंने कह दिया है कि भाई हमें तो अभी कम से कम 15-20 दिन और लगेंगे, तो इस तरीके से कैसे काम चलेगा। डॉक्टर साहब और सब जने कहकर गए कि भाई मास्क लगा के और शुद्ध जल गर्म पानी करके और अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। एक ही परिवार को रही है, और भी के दुकानदार सारे दुकानदार, पूरा रास्ता बंद पड़ा। आप आगे देखिए पूरा बाजार ही बंद पड़ा, चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए इन्होंने, और कोई बोलने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, गिनती के 4 या 5 आदमी लगा रखे हैं। नगर निगम गए थे? नगर निगम भी गए थे। क्या बोला? नगर निगम वाले कह रहे हैं कि व्यवस्था करवा रहे हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।